किसान संघ ने अपनी मांगों के लिए निकाली रैली और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रायपुरा को सौंपा ज्ञापन। नई सरकार के गठन के बाद अब सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांगें उठने लगी हैं। इसी के मद्देनजर रायपुरा में भारतीय किसान संघ की इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसान संघ ने कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर किसानों से धान 3100 रुपये एवं गेहूँ 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी, परंतु सभी धान खरीदी चालू है और किसानों से 2183 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। ज्ञापन में किसानों ने 917 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की भरपाई की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत समस्याओं के निराकरण के लिए ओवरलोड ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग की। रायपुरा के पास अधराड में पतने नदी पर पटपरनाथ बांध, गुहेटी में जुड़न बांध बनाने की मांग की। किसानों ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कृषक मित्र योजना चालू की थी, जो अब बंद पड़ी है। इसे दोबारा शुरू किए जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों किसानों को तकनीकी कमियों के चलते आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, इन कमियों को दूर कर कार्ड बनाए जाने की मांग किसानों ने सरकार से की है। पीबीसी के लिए रायपुरा पवई से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। भारतीय किसान संघ के जो भी पदाधिकारी हैं और जो सदस्य हैं रायपुरा क्षेत्र के, इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वर्तमान में नई सरकार बनी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम किसानों की धान 3100 रुपये कुंटल लेंगे, किंतु अभी किसानों के खाते में ओनली 2183 रुपए आ रहे हैं। तो हमारा ये मांग सब किसानों की चल रही है कि 3100 रुपए के दाम सब किसानों को दिए जाएं। जी, आप कहां से? मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, मैं ग्राम अधराड़ से हूं और रेपुरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूं, अंगद प्रसाद लोधी। ठीक। किसानों द्वारा जैसे पहले सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि धान 2700 रुपया 3100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदेंगे, परंतु आज जो धान की खरीदी की जा रही है 2183 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही। तो किसानों की मांग है कि हमारी जो घोषणा की गई थी 3100 रुपया प्रति क्विंटल, उसके हिसाब से खरीदी जाए। और जैसे बिजली की भी समस्या है किसानों की, के ग्रामों के जितने लोड है उस लोड के हिसाब से ग्राम में ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए हैं, ट्रांसफार्मर रखे जाए। और जैसे कि महाविद्यालय है, ग्राम के बहुत से दूरस्थ छात्र छात्राएं हैं जो कि महाविद्यालय ना होने से यहाँ पढ़ाई रोक दी जाती है और या फिर अन्य पवई या अन्य जिलों में जाना पड़ता है। सर, किसानों की और भी समस्या, अभी खरीदी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। खरीद केंद्र वाले शोषण कर रहे हैं, ओवर वो ले रहे हैं, वजन ले रहे हैं, सही पर्ची नहीं दे रहे हैं, मतलब तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में क्या कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही सर प्रशासन से? इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और नोडलों से जानकारी ली जाके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, खरीदी हो गई, आज तक समस्या जस की तस है। समस्या खाई गई है सर, ओवर उनसे वजन लिया जाता है। हाँ, तादाद से। हाँ, तीन तीन दिन ट्रैक्टर खड़े करवाए जाते हैं जान जान के, बोरी देने में दिक्कत, अलाव की समस्या, अलाव नहीं जलाए, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही तो किसानों की। क्या है सर? किसानों द्वारा एक पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था कि मतलब जो पिछली बार 5 धान खरीद केंद्र बनाए गए थे और इस बार कम कर दिए गए, तो किसानों के जो ज्ञापन था शासन को, ये मतलब कलेक्टर महोदय को पूर्व प्रेषित किया गया था, तो 2 धान खरीदी केंद्र अपने रायपुरा खास में बनाए गए। एक नहीं, जो अनियमितताएं हो रही है उस पर आपके कार्यालय द्वारा या एसडीएम कार्यालय से क्या कार्यवाही हुई अभी तक? तो अब इस बात की तो जानकारी नहीं है। ज्ञापन दिया ना किसानों ने, आप कह रहे हैं? तो मतलब नहीं, धान के अंदर खरीदी बढ़ाने के लिए दिया। अच्छा सर, विद्युत तो आपूर्ति को लेकर के भी कुछ जी, आप जो ज्ञापन है इस ज्ञापन को अभी हम भेज रहे हैं जी। किसके नाम पे दिया हुआ सर ये ज्ञापन? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे दिया गया है ज्ञापन जी। सिंचाई की बिजली कम मिलती है, उसकी वृद्धि की जाए। आज भारतीय किसान संघ है तहसील रायपुरा इकाई के द्वारा समस्त किसानों ने इस बात का ज्ञापन दिया है कि सरकार की जो घोषणा थी कि हम समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, संकल्प पत्र में सरकार ने कहा था, और उस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए भारतीय किसान संघ ने सरकार को चेताया है।
तथा इस क्षेत्र में शिक्षा की समस्या है, महाविद्यालय को लेकर किसानों ने ज्ञापन दिया है। इस क्षेत्र में ओवरलोड ट्रांसफार्मर की समस्या है, उसको लेकर के सरकार से मांग की है। तथा आयुष्मान कार्डों में कई गांव के 30-40 लोगों के नाम नहीं खुल रहे हैं। ऐसी ज्वलंत समस्याओं पर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया है। यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो पन्ना जिले का समस्त किसान भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। ठीक, आपका क्या है? आज जो समस्या मुख्य तो यही थी कि शासन ने घोषणा की थी 3100 रुपया धान लेने की, और हम किसानों ने, जनता ने शासन बनाया, अब वो बात पूरी नहीं हो रही, इसलिए किसान दुखी है, परेशान है और चाहते हैं कि हमारा मूल मिले जो किसान के हित में हो। जी, यही हमारे किसानों की मांग है। जी, और आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान संघ जो हमारा है, किसानों की जो ज्वलंत समस्या है, जैसे खरीदी केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्धारित मात्रा से अधिक वजन का तोला जाना, पैसे की लोट घसूट की जाना, अच्छे माल को बुरा बता देना, पैसा लेकर बुरे माल को अच्छा बता देना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उसके संबंध में हमने माननीय तहसीलदार महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा जो चुनाव के टाइम में घोषणा की गई थी कि हम किसानों की धान 3150 और 2700 का गेहूँ लेंगे, तो सरकार अपने उस वादे से मुकर रही है। माननीय नव निर्वाचित जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री यादव जी, उससे इस माध्यम से हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि किसानों की ज्वलंत समस्याएं सुनी जाए और उनके जो निर्धारित मूल्य की जो घोषणा की गई थी उस आधार पर किसानों को मूल दिया जाए, उस स्थान पर किसानों की खरीदी की जाए, और विद्युत विभाग में व्याप्त अनियमितताएं जितनी है उनमें तत्काल सुधार किया जाए, और पंचायत विभाग में जो आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो जो सचिव वगैरह की लापरवाही से काम सचिव को करना है लेकिन वो भेजते दूसरी जगह है, पंचायत का काम है अस्पताल में भेजते हैं जिनके कार्ड बनना उपभोक्ताओं को, तो इन समस्याओं का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल करें। जी अच्छा, ये मैं निरपत सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ पन्ना। अच्छा, ये जो ज्ञापन दिया हुआ है रेपरा से ही शुरुआत है कि सभी जगह? नहीं, ये सभी जगह चल रहे हैं हमारे, आज हमने शुरुआत रेपरा से की है। यदि हमारी मांगों नहीं मानी जा रही, सुधार नहीं हो रहा है, तो हम पूरे जिले में अपना आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संबंध में बात नहीं की आप लोगों ने? अभी बात नहीं हुई, अभी फर्स्ट हमने ज्ञापन दिया है, अब इसके बाद हम स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे हमारे विधायक जी हैं उनके पास भी हम अभी जाएंगे ज्ञापन लेके, और विधायक जी को इस समस्याओं से अवगत कराएंगे कि हमारी माने जमीनी समस्याओं का निराकरण किया जाए और उनको विधिवत सुना जाए। ठीक है, ये ज्ञापन दिया हुआ। मेरा नाम लटोरी लाल लोधी, ग्राम इटोरा से हूँ मैं। तहसील स्तर का मैं एक तहसील का अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान संघ का एक सदस्य हूँ। इस नाते मैं सभी किसानों की समस्याओं के अवगत कराते हुए मैं आज समस्त तहसील के किसानों से साथ में आकर के और पर्यापुरा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं और धान की खेती किए, और सरकार ने, बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो हम 3100 रुपया किसानों की धान खरीदेंगे और 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे। लेकिन सरकार बन जाने के बाद, बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद, हम किसानों से जो धान खरीदी की जाती है वो 2183 रुपये खरीदी जा रही। हमारी मांग किसानों की यही है कि माननीय मोहन यादव जी जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही बने हैं, और हम किसानों ने पार्टी पर भरोसा करके और सभी किसानों ने हमने वोट दी है और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है, और मैं भारतीय किसान संघ का भी एक सदस्य हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी एक सदस्य हूं। इस सदस्यता के नाते मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि हमारे किसानों को जो आपने घोषणा की थी संकल्प पत्र में, जो आपने लिखवाया कहा, उस पर खरे उतरने की कोशिश की जाए। किसानों को जो अंतर की राशि 917 रुपया अभी नहीं दी जा रही है, भले ही आज 2183 रुपये दी जा रही है, लेकिन सरकार यह घोषणा करे कि 917 रुपये जो अंतर की राशि किसानों को नहीं मिल पा रही है, वो 917 रुपया देने की सरकार घोषणा कराए। इसी माध्यम का हमने आज तहसील में ज्ञापन दिया है, और हमारी विशेष मांगें हैं कि जो हमारे रेपरा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य ग्रामों में एक एक ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जो
किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। गांव में गांव का लोड रहता है और विद्युत के जो पंप होते हैं उनका लोड होता है, इस कारण से किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है। बिजली ना मिल पाने के कारण और किसानों की खेती में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी समस्या है हमारे किसानों को, हमारे रेपरा क्षेत्र में एक नवीन तालाब की बात हमारे आज 5 साल से हमारे विधायक महोदय जी को हमने पत्र कई माध्यम दे चुके हैं, हमने अपने सांसद महोदय माननीय बीडी शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को कई पत्र दे चुके हैं और हमारे यहाँ की एक सर्वे पटपननाथ तालाब की हो चुकी है जिसका अभी वहाँ काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार इन तालाबों का, जो रेपुरा क्षेत्र में एक जुड़न बांध है घुटेही के पास है, उसका भी सर्वे करा करके उसमें काम लगाया जाए जिससे हमारे किसानों को खेती हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। हमारे किसानों की ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं है, सिर्फ पानी की है और बिजली की है और हमारा जो हम मेहनत से और उसको पैदा करते हैं फसल को, उसकी हमको कीमत सही दी जाए। क्या महाविद्यालय है हमारा, हमारे रेपुरा क्षेत्र में हमारे बच्चे जो हैं 12वीं पास करने के बाद, और कई समस्याएं रहती हैं किसानों के पास के पैसा नहीं होता है और बाहर जाने से वहाँ कमरा किराया और आना जाना का खर्चा हमारे सभी किसान बंधु नहीं उठा पाते हैं, और इसलिए हमारे रेपुरा क्षेत्र में एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया जाए जिससे हमारे बच्चे भी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। और हमारी ज़्यादा यही मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, और इसमें हमारे माननीय महोदय जी से हम ज्ञापन दिए हैं भारतीय किसान संघ के माध्यम से कि हमारी समस्याएं किसानों की सुनी जाएं, और अगर हमारी किसानों की समस्याएं और इस माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से नहीं सुनी जाती हैं तो हम किसान बंधु सभी पन्ना जिले के सभी किसान और एक दिन धरना प्रदर्शन करने के लिए और विवश हो जाएंगे, परवश हो जाएंगे, और हम अपनी मांगों को सरकार से मनाने का पूरा भरोसा सरकार दे और पूरे हमारे जितने वादा हैं और हमारे पूरे वादे करें और हमारे किसानों के साथ अन्याय ना हो। जी, धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।